बजट से लोगों को बहुत उम्मीद। कोरोना से लड़ाई में लोगों का बहुत कुछ पीछे छूट गया। कोई जिंदगी से हाथ धो बैठा, किसी की नौकरियां छूटी, कोई सड़क पर आ गया, व्यापार कारोबार सब कुछ डमाडोल हो गया। कोरोना काल का असर हर किसी पर पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा असर किसी पर पड़ा तो वो मध्यम वर्गीय परिवार पर। कोरोना ने हर तरह से इनकी कमर तोड़ दी। जब देश में परिस्थितियां असामान्य हैं, तो ये बजट सामान्य कैसे हो सकता है? अर्थव्यवस्था को सुधार की मरम्मत चाहिए। करीब एक साल बीत गया है कोरोना के सहाय में जीते जीते, और एक बार फिर फरवरी की पहली तारीख आ गई है नजदीक, और इस दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। उम्मीदें बहुत सारी हैं, बहुत सेक्टर्स को हैं। बजट को लेकर किसानों की क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि कृषि कानून को लेकर देश का एक बड़ा किसान तबका नाराज भी चल रहा है, आइए जानते हैं। केंद्र सरकार 1 फरवरी को अपना बजट पेश करने जा रही है, ऐसे में लोगों को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, खासकर अगर हम किसानों की बात करें, क्योंकि किसान हित सरकार बताई जाती है। ऐसे में जो राजधानी के किसान हैं, उनको आखिर क्या उम्मीदें हैं सरकार से, ये जानने के लिए आप देख रहे हैं हमारे पीछे तमाम वो किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानना चाहते हैं कि किस तरह से उनको सरकार से उम्मीद है। उम्मीद तो बेशक सी बात है कि किसान हित में अच्छा बजट आएगा, पर जो भी किसान की समस्या है इसको अगर सुधार दिया जाए तो बजट और भी अच्छा होगा, हमें ये उम्मीद है सरकार। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप युवा हैं, सरकार जो केंद्र सरकार है अपना बजट पेश करने जा रही है, तो ऐसे में क्या उम्मीद है आपको, सरकार से क्या उम्मीद लगाई है? युवाओं के लिए उम्मीद तो बेहतर है, जो इस समय बेरोजगारी की बात की जाए तो चरम पे चल रही है, और बेरोजगार तो बेरोजगारी ही रह गया, सरकार तो कई आई इसी के उस पे सरकारी बनी युवाओं के दम पे। आज में देखी जाए केंद्र ने क्या क्या उम्मीद लगाई है, किस तरह से रोजगार उनको दिया जाए? रोजगार तो सिर्फ कागजों पर रह गया है, कागजों पर। उम्मीद तो हर बार की जाती है, जितने बार बजट पेश किया जाता है उम्मीद तो हर बार रहती है कि इस बार हमारे लिए होगा, हमारे लिए होगा, उनके लिए होगा, तो यही सब समस्याएं हैं बेरोजगारी फिर से उम्मीद आपकी। हाँ, रोजगार पर, बिल्कुल युवाओं की उम्मीद रोजगार पर टिकी है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। दादा बताइए, आप किसान हैं जी, सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है, तो क्या उम्मीद लगाई है आपने, किस तरह से आपका बीज? और हमने तो उम्मीद यही लगाया कि सरकार जो भी करेगी वो अच्छे करेगी। सर हमको तो इस बात से पता है कि हम सारे किसान मिलकर जो है यहाँ गौशाला बनना चाहिए मऊ ग्राम सभा में। देख, हम लोग सारे किसान जो है परेशान है रातों दिन। बिल्कुल, आराम से यहाँ देख रहे हैं कि वो किसान थे, युवा थे, जिन्होंने सरकार का जो अब बजट पेश करने वाली है केंद्र सरकार, उससे जो उम्मीदें लगाई हैं। अगर युवाओं की बात करें तो एक बार फिर से उनकी रोजगार की तरफ निगाहें टिकी हुई हैं, तो वहीं अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों ने सस्ता बीज, सस्ती खाद, सिंचाई की व्यवस्था, और वहीं अगर हम बिजली की बात करें तो बिजली में भी वो छूट की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से केंद्र सरकार 1 फरवरी को अपना बजट पेश कर रही है, ऐसे में केंद्र सरकार के पिटारे से, या यूं कहें कि निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, उनके पिटारे से आखिर किसान और युवाओं के लिए क्या सौगातें निकलती हैं? आज हम हरदोई के